सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिच् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस, मे नो वन सफर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। यूनिट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज हम कवर कर चुके हैं और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यू सीरीज का, ठीक है। चलिए, ग्रुप डाटा भी कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज को। पहले हम बढ़ेंगे फॉर्मूला चार्ट की तरफ, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें यहाँ पर एफ एक्स आ गया, एफ मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और एक्स तो आप जानते ही हैं जो गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर है शॉर्टकट मेथड जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, एफ डी, ठीक है। इसको इजी तरीके से लर्न कर लेना, एफ डी जैसे भी आपको लगे सही। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए आपको पता ही है, लास्ट हमने इंडिविजुअल सीरीज में सीखा ही था, ठीक है। ए आपको पता है एज्यूम्ड मीन होता है जो कि हम एक्स में से लेट करते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता सेम एज इंडिविजुअल सीरीज की तरह, क्योंकि स्टेप डेविएशन में हमें नीड होती है क्लास इंटरवल के डिफरेंस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। फाइव स्टेप्स टू गेट करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली। स्टेप वन क्या है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा है इस क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑब्टेन द एवरेज मार्क्स। एवरेज मतलब मीन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने पहले लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था उसमें एक सिंगल सीरीज दी हुई थी, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पर हमें दो सीरीज दी हुई है, इसे कहते हैं ग्रुप डाटा, ठीक है। तो जो ये होता है मार्क्स, ये हमारा बन जाएगा एक्स, और कभी भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है ना, जो सेकंड कॉलम दिया होता है वो हमेशा होता है आपका एफ का, यानी कि फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या कहा गया है हमें, राइट फॉर्मूला, ओके। सो हमें डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे इसे डायरेक्ट मेथड से, फिर हम सीखेंगे इसे शॉर्टकट मेथड से जिसे एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, यानी कि अब हमें बनानी है टेबल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो कि हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। सो हमें क्या क्या चाहिए, आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे साथ में लिखे ना एफ एक्स, यानी कि हमें एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उन सबका हमें क्या करना है, समेशन, यानी कि टोटल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स लिखना होगा, ठीक है, एक कॉलम में एक्स आएगा, एक कॉलम में एफ आएगा, फिर हमें लिखना होगा एफ एक्स इस तरीके से, और फिर उसका करना होगा समेशन, ठीक है। सो ये देखिए, इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक्स यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया, F यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया, कहाँ से लिखा, ये क्वेश्चन में से, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया X, यहाँ से मिल गया हमें F, अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स, यानी कि X को F से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, X को F से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, फिर हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का टोटल, ठीक है। तो आप करेंगे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर कर लिया, और हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ भी चाहिए, ये देखिए सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ यानी कि एफ का सिग्मा, यानी कि समेशन मीन्स टोटल। सो आपने इन सबको प्लस किया और यहाँ पे आ गया 60, ठीक है, इसको आप एन भी कहते हैं, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, सिग्मा एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 2460 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सिग्मा एफ की जगह पे 60 आ जाएगा, जीरो से ज़ीरो रिड्यूस हो गई, 6 6 4 24 एंड 6 1 6, 41 इज़ योर आंसर, ठीक है। ये हमने किससे किया है, डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। चलिए ये देखिए शॉर्टकट मेथड, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन में एन, एन की जगह पे आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें एफ चाहिए,
डी चाहिए, ठीक है, एफ डी चाहिए, इसमें हमें चाहिए डी। डी मीन्स क्या होता है, डेविएशन, और डी कैसे आता है, एक्स माइनस ए करके, ठीक है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी, ये देखिए, ये बनेगी एक्स और एफ एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा टू कॉलम्स बनेंगे डी और एफ डी के, क्योंकि हमें एफ डी चाहिए, एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो डी कैसे मिलेगा, एक्स माइनस ए आपको मालूम है, और ए जो है एज्यूम्ड मीन वो किस में से लेट करते हैं, वो लेट करते हैं एक्स में से, आप इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड कर लीजिए एज अ मीन, हमने किया है 40 को, मीन्स इस डिजिट को, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 40, तो मीन्स आप क्या करेंगे, 20 यहाँ लिखा है ना, 20 माइनस 40, आपको बताया था कभी भी छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट को लेस करते हैं तो हमेशा जो साइन आता है वो बड़ी डिजिट का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया माइनस 20, 30 में से माइनस 40 किया माइनस 10, 40 में से 40 गया 0, ठीक है, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 40 गया 20, 70 में से 40 गया 30, इस तरीके से हमें डेविएशन मिल गया, डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, तो एफ को आप डी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये देखिए, 8 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस 160, 12 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 120, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। 10 को 10 से किया तो 100, 6 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 120, 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया 120। अब आप क्या कीजिए, पॉजिटिव वाली डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और नेगेटिव वाली को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, 120, 240 प्लस 100 कितना बनता है आपका, 340, ठीक है। उसमें से हमें क्या लेस करना है, ये आपका बनेगा 0, 6 प्लस 2 8 एंड ये आ गया 280, मीन्स 340 में से आपको 280 को लेस करना है, ठीक है। और डिजिट कौन सी है बड़ी, 340 बड़ी है, यानी कि आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, इसमें से आप लेस कर दीजिए, 340 में से 280 को लेस कर दीजिए, ठीक है। 14 में से 8 चला गया आपका 6 आ जाएगा, मीन्स 60, एफ डी की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। बस अब आप वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, ये देखिए, ए हमने माना था 40, सिग्मा एफ डी की जगह पे आ गया 60, सिग्मा एफ की जगह पे आ गया 60, ठीक है। उसके बाद 60 से 60 रिड्यूस हुआ, हमें 1 मिला, 40 प्लस 1 हो गया 41, आंसर आपका सेम आना चाहिए, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, 41 यहाँ पर भी आपका मीन आया है, देन 41 आपका यहाँ पर भी मीन आया। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। चलिए अब बारी है आपके, जो आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको होमवर्क दिया था इंडिविजुअल सीरीज़ का, उसका आंसर है 14.3, ठीक है। आई होप आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से पहले अपना होमवर्क कर लीजिए, बिकॉज अगर आप इस तरीके से जल्दबाजी करेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे कि हमारा ये भी सिलेबस हो जाए वो भी हो जाए, इस तरीके से आप रहेंगे तो आपके जो अभी आपको प्रेजेंटली करवाया जा रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भागने का, ठीक है। और आज का जो है आपका होमवर्क, ये भी आपको अटैम्प्ट करना है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ग्रुप डाटा दिए हुए हैं, बस आपको इसको दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से भी करना है और आपको शॉर्टकट मेथड से भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यू सीरीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। टिल देन अच्छे से हार्डवर्क कीजिए और हमारे मोटिव को पूरा करने में हमारी अच्छे से मदद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ उसकी एक्चुअली नीड है, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।